तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हमने अपने बाइक में दोनों टायरों में हवा फुल करवाई है और अभी दोबारा से निकल रहे हैं। लें जी, ये भाई साहब जो हैं मच्छी बना रहे हैं। इसका तकरीबन 3.25 किलो वज़न है। तो हम दो दोस्त हैं, इंशाल्लाह हम इसको रगड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुस्नैन आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हुस्नैन आफ्ताब ऑफिशियल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं और मेरा दोस्त नाम से नबीर हम जा रहे हैं हेड त्रिमू पे जस्ट और जस्ट मच्छी खाने के लिए, क्योंकि हम पिछले दिनों में अजहर सुल्तान बाऊ पे गए थे तो वहाँ पे मच्छी हमने टेस्ट की थी और उसका जायका जो है वो बहुत ही प्यारा था। तो आइए हमारे सफ़र के साथ शामिल हो जाइए। कौन सा रास्ता इस्तेमाल करते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं और देखते हैं मैप पे यहाँ से कितना किलोमीटर जो है वो सफ़र है। क्या ख्याल है आपका? ख्याल तो बड़ा ठीक है पर धूप भी है तो सफ़र में ऐसा छिकना है। तो आज का सफ़र हमारा बाइक पे होगा। हाँ बाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने अपने सफ़र को कर दिया है स्टार्ट। तो हम अपने आबाई गांव चक नंबर 239 खानवाना हरला से निकले हैं। तो ये हमारा बाईपास है, इसको मकवाना बाईपास बोलते हैं। इस वक्त हम सत्याना रोड की तरफ जा रहे हैं। बाइक पे हम दो दोस्त मौजूद हैं और थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो राइट साइड पे आपको एक फैक्ट्री नज़र आएगी और उसके बाद तकरीबन कोई हमारे गांव से 1.5 किलोमीटर के फासले पे ये मेन बाईपास चौक, इसको बोलते हैं सत्याना रोड। यहाँ पे एक अदद घोड़ा भी लगा हुआ है। तो अगर राइट साइड पे जाते हैं तो सिटी में दाखिल हो जाएंगे और लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो सत्याने की तरफ जाएंगे, लेकिन हम सीधा जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हमने अपने बाइक में दोनों टायरों में हवा फुल करवाई है और अभी दोबारा से निकल रहे हैं। हमने अपने दूसरे मोबाइल पे चेक किया, 109 किलोमीटर है जो कि 2 घंटे और 16 मिनट में कंप्लीट होगा। अगर रास्ता साफ हुआ तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बाईपास से आगे गुजरने के बाद लेफ़्ट साइड पे 2-3 फैक्ट्रीज़ हैं और रोड बिल्कुल बहुत ही कमाल का बना हुआ है, साफ़ सुथरा रोड है, उस पे हम जा रहे हैं। तो यहाँ से सीधा हम जाएंगे तो रोशन वाली झाल जो है वो आएगी। रोशन वाली झाल को क्रॉस करने के बाद जो है हम फिर आगे की तरफ निकलेंगे। तो यहाँ पे कुछ बड़े बड़े निशान ट्राले आ रहे हैं। ओह, इस ट्रक से तो हम बच ही गए हैं। ये देखते नहीं है, ये जो बढ़िया गाड़ियाँ होती हैं इनके ड्राइवर बहुत कंजूस होते हैं और ये खोती रेडी है। इस पे हम अपनी भैंसों के लिए चारा लेके आते हैं और ये एक ट्रैक्टर जो है मकई लेके जा रहा है। रास्ता बहुत साफ़ सुथरा है। आगे जब हम जाएंगे तो आगे रास्ता जो है वो ख़राब ना हो। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लीन और साफ़ सुथरा रास्ता है। तो जैसे ही हम रोशन वाली जाल के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक PSO का पंप है, यहाँ से पेट्रोल आप डलवा सकते हैं और रश आप देख रहे हैं और ये एक पुलिस की गाड़ी भी जा रही है। तो रोशन वाली झाल के बिल्कुल चौक के पास हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से हम निकलेंगे छांग वाली तरफ। लेफ़्ट साइड पे जो है ये समुद्री की तरफ निकल जाता है और राइट साइड पे जो है वो सिटी की तरफ निकल जाता है, लेकिन हम सीधा ही जाएंगे बाईपास, मेन बाईपास की तरफ। और ये कारपेट रोड बना हुआ है, बहुत ही कमाल का रास्ता है। तो यहाँ पे ये चीमा ब्रदर्स की एक गाड़ी जो है वो हमें नज़र आई है। तो जी हाँ, ये एक खोती रेडी है, इसके ऊपर लोग बैठ के जा रहे हैं और फाटक को हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे अमरूद लोग बेचने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये कारपेट सड़क है, तो इस पे बाइक जो है उसको भगाना चाहिए और हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं। इस वक्त हम जंग रोड के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ओ स्लो करना पड़ेगा, जंप आ गया है। तो इस जंप से जैसे गुजरे हैं तो आगे से एक बाइक वाला आ गया है, इससे बचना पड़ेगा। और ये देखें, रोड बड़ा कमाल का बना हुआ है। तो जैसे ही हम चौक के पास आते हैं तो यहाँ पे हमें टर्न लेना पड़ेगा जंग रोड की तरफ। तो लेफ़्ट साइड पे जो है जंग रोड है, इस पे हमने यहाँ से टर्न ले लिया है। तो जैसे हमने टर्न लिया तो सामने वही बस जो हमें पिछले बाईपास पे समुद्री रोड के पास नज़र आई थी, वही बस हमारे सामने जा रही है। तो हम इस वक्त जंग रोड पे टर्न हो गए हैं। कुछ दोस्त यहाँ पे बाइक्स पे जा रहे हैं दोनों साइडों से। जिस साइड पे हम जा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ ट्रैफिक जो है इस साइड से जाती है, और दूसरी साइड जो मेरे राइट साइड वाली रोड है उधर से ट्रैफिक आती है। तो यानी कि ये सिंगल रोड, एक साइड से जाएंगे दूसरी साइड से वापस आएंगे। तो जनाब, यहाँ पे हमने टोटल पार्कों का जो है पंप देखा, तो हमने सोचा कि इनका पेट्रोल अच्छा होता है, तो क्यों ना यहाँ से अपने बाइक की जो टैंकी है उसको फुल करवाया जाए। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं इस दोस्त के पास। तो इसको जनाब हमने कह दिया है कि टैंकी जो है उसको फुल कर दीजिए। ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਰੰਗ। ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਜਨਾਬ 6 ਗਲਾਸ ਮੈਂ ਪੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਈ ਬੋਤਲ ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬੋਤਲ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੋਤਲ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਪੈਂਟ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਜਾ ਸੀ इनका भी खोखा तमे का पैदा इतने बने कोई नहीं। इस वक्त हम तकरीबन कोई 40 से 45 किलोमीटर जंग से पीछे बैठे हुए हैं। प्यास बहुत लगी थी और यहाँ से हम पानी पी रहे हैं। तो तकरीबन नए लाहौर के पास हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से 45 किलोमीटर जंग है और जंग से आगे हेड त्रिमू जो है वो 28 किलोमीटर है। तो दोबारा से अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 मिनट का वक्फा लेते हैं और उसके बाद दोबारा से निकलते हैं हेड त्रिमू की तरफ। दोबारा से निकलते हैं और बजते पे हैं। जंग रह गया बिल्कुल थोड़ा, मेरे नाल दे ड्राइवर दी हो गई बस तो मेरा हो गया ट्रक ते पर मैं हुण पहुँचाना चंगा। जाने न भूख लग सी जंपा का भी खेत हो के हुण जनाब अगू आवेगा हेड त्रिमू दी चलान के पानी को पता करा बनेगा वड्डा मगरमच्छ। दोनों साइडों से आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारा कमाद है। यहाँ पे जो है लोगों ने ज़रूरी काम बहुत किया हुआ है। लेफ़्ट साइड पर राइट साइड पे कमाद है। तो हमें प्यास लगी हुई है तो जनाब साडा भरा है इन्हें जनाब 3 रेट लाए हुए हैं। छोटा गिलास 40 का, बड़ा 50 का, उस तो बड़ा 60 का। मैं क्या मैं तो बड़ा दूर आया, मैं तो भरा 50 ही देना बड़े का। फिर मना लिया, मनदा ना मना लिया मेरा। इस वक्त हम टोबे वाले बाईपास पे मौजूद हैं और यहाँ से तकरीबन जो हेड त्रिमू है वो तकरीबन 28 किलोमीटर के राउंड अबाउट है। एक आधा किलोमीटर कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो हमें लगी हुई थी बहुत ज़्यादा प्यास तो हमने यहाँ पे एक एक मग्गा जो है रव का पिया है और भाई ने बड़ी प्यार से मोहब्बत से बनाया है। बहुत कमाल का टेस्ट था। अगर आपका भी यहाँ से गुजर हो तो एक बार भाई से ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। मुनासिब रेट है, बहुत ही कमाल का बनाते हैं। तो आइए अपने सफ़र को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। एक खुल लिया ये अपना मुफाद करके सांगे मुखा छोड़े बाजार लग गए जिंदगी बजा छुड़े। तो सामने आप देख सकते हैं एक बड़ा रोड आ गया है जो हेड त्रिमू की तरफ जाता है। तो यहाँ से लेना पड़ेगा लेफ़्ट और रोड पे इस वक्त कोई रश इतना नहीं है तो हमने यहाँ से लेफ़्ट ले लिया है और ये सीधा रोड जाता है हेड त्रिमू की तरफ। तो यहाँ से हेड त्रिमू जो है वो तकरीबन कोई 5 से 7 किलोमीटर के फासले पे है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है हेड त्रिमू की तरफ जा रहे हैं। ने भी स्टाफ किया है। तो बताता हूँ जरा, राइट 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 सके होना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ से रास्ता भूल गए थे, हमने राइट होना था, तो हम थोड़ा सा ही सीधे निकले हैं तो हमें पता चल गया कि हम रास्ता जो है वो भूल गए हैं। दोबारा से हम यहाँ से राइट हो चुके हैं, तो इस टाइम हम बिल्कुल सीधे रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये रोड जो है ये लैया, खुशाब, मुजफ्फरगढ़ और DI खान की तरफ जाता है और इस रोड पर हम बिल्कुल सीधे हम जाएंगे तो हम अपनी मंजिल के पास पहुंच जाएंगे। और ये आप देख रहे हैं एक मदरसा है और ज़ेर तामीर है, ढांचा इसका मुकम्मल तैयार हो चुका है और अभी तक ये बिल्कुल मुकम्मल तैयार नहीं हुआ है। इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मुकम्मल तैयार होने में। तो हम स्पीड से अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर देखें साइडों पर दुकानें बनी हुई हैं, होटल्स बने हुए हैं, यहाँ पे मछली जो है वो शरेआम मिलती है। यहाँ पे आप बैठ के मच्छी जो है अच्छे तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। लें जी, खुश आमदीद त्रिमू ब्रिज, इंग्लिश में ब्रिज है और उर्दू में इसको बैराज बोलते हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं, कार होगी, बढ़िया गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे पर्ची लेके जाते हैं, तो बाइक पे जो है ये बचत हो जाती है। राइट साइड पे देखें बड़े ट्रक जो हैं ये यहाँ पे पर्ची लेके जाएंगे। तो इस वक्त हम बिल्कुल ब्रिज के पास पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से निकलती हैं दो नहरें जो सीधे जाके मिलती हैं दरियाए रावी को। यहाँ से दो नहरें निकलती हैं, एक आप देख सकते हैं कि ये हमारी लेफ़्ट साइड पे है, ये आप देखें इसमें पानी जो है वो कम है क्योंकि रावी में पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, जिसकी वजह से इनमें पानी नहरों में थोड़ा इन्होंने छोड़ा हुआ है और इस नहर में पानी ज़्यादा। ये दोनों ही नहरें इकट्ठी निकलती हैं और ये रावी में जाके मिलती हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे देखें, यहाँ से आपने राइट हो जाना है और आगे जाके आप ब्रिज के ऊपर जो है पहुँच जाएंगे। दोस्तों लोग जो हैं इंजॉय कर रहे हैं और इस बेड़ी में बैठ के ये खूब मज़े के साथ इंजॉय कर रहे हैं। और इनका जो अड्डा है वो सामने देख रहे हैं, वो जिस तरफ मेरा इशारा है वो सामने, उधर से ये बैठ के इनको ये विज़िट करवाते हैं। कमाल की जगह है, आप दोस्त भी देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा कैमरा इस तरफ करके दिखा देता हूँ। ये आप देखें वो कितना बड़ी पुल है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ तक इसकी पुल है। ये दूसरी साइड है। कवरेज के साथ साथ अब हमने टर्न ले लिया है, तो इस साइड पे देखते हैं आगे कितना प्यारा खूबसूरत नज़ारा है, वहाँ पे थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। इस साइड पे देखें ये सारा दरिया है, दरिया चेनाब इसको बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस टाइम इस वक्त हम दरिया चेनाब के बिल्कुल ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि पानी की आपको आवाज़ भी आ रही है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, देखने के लायक है। कभी आपका भी आना हो तो आके इस ब्रिज को ज़रूर विजिट कीजिए, और यहाँ पे आके आपने महसूस करना है कि पानी की आवाज़ें कितनी तेज़ आ रही हैं और कितना खूबसूरत मंजर है। हम तो अपने आबाई गांव से निकले थे, तकरीबन कोई वहां से 110 किलोमीटर का सफ़र है जो हम आराम से करते करते आए हैं, और आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप रास्ता भी दिखाया है, आप दोस्तों के साथ एक से एक चीज़ शेयर भी की है। तो आइए अब हम जाके खाते हैं मच्छी, और वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ले जी, ये भाई साहब जो हैं मच्छी बना रहे हैं, इसका तकरीबन 3.25 किलो वज़न है। तो हम दो दोस्त हैं, इंशाल्लाह हम इसको रगड़ जाएंगे। और भाई कह रहे हैं, भाईजान इधर देखिएगा, भाई कह रहे हैं कि अगर आप मच्छी खाएंगे इंशाल्लाह दोबारा भी यहाँ पे ही आएंगे। 700 रुपये किलो लगा है रेट फाइनली। और ये भाईजान की दुकान है, आप देख सकते हैं, बड़ी उन्होंने तारीफ़ की है कि बड़े अच्छी आपको मच्छी बना के देंगे, आप याद करेंगे। तो वहाँ पे हम बैठेंगे, वहाँ पे बैठ के इंतज़ार करते हैं जब तक ये बनती नहीं है। भाईजान अच्छी तरह सफाई करके बड़े प्यारे अंदाज से बना दें। मच्छी हेड ट्रिम्मू से आए हैं मच्छी खाने, चस्सा दे रही है, फुल चस्सा दे रही है। ये ना राती मैं मंजे थले आ जाऊँ।